Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our advanced operating systems lecture number 13. Before we start with today's lecture, I just want to spend a few minutes on the recap of what we did last time. Last time aapko yaad hoga ki humne discuss kiya tha condition variables ke zariye se ek classical synchronization problem ki solution humne develop ki thi jisko hum kehte hain readers writers problem. और इसको हमने कंडीशन वेरिएबल्स के ज़रिए से सॉल्व किया था. पहले हमने स्टेप बाय स्टेप करेक्टनेस कंस्ट्रेंट्स और रिक्वायरमेंट्स डेवलप की थी सॉल्यूशन की, और उसके बाद हमने इसको इसका कोड हमने डिस्कस किया था, एनालाइज किया था कि किस तरह से हम कंडीशन वेरिएबल्स के ज़रिए से रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद हमने ये देखा था कि कंडीशन वेरिएबल्स सेमाफोर्स के ज़रिए से भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, यानी कंडीशन वेरिएबल्स के जो ऑपरेशन हैं वेट, सिग्नल और ब्रॉडकास्ट, वो सिर्फ सेमाफोर्स को एज बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज करते हुए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उनके साथ जो एसोसिएटेड लॉक होता है वो भी सेमाफोर्स के जरिए से इम्प्लीमेंट हो सकता है, और कंडीशन वेरिएबल्स के जो इटसेल्फ ऑब्जेक्ट के ऑपरेशन हैं वो भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेमाफोर्स के जरिए से. और फिर हमने ये कहा था कि सिमिलरली डुअल ऑफ दैट के तौर पर हम सेमाफोर्स के ऑपरेशन को भी कंडीशन वेरिएबल्स को एज ए बिल्डिंग ब्लॉक यूज करते हुए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यानी ये सेमाफोर्स, कंडीशन वेरिएबल्स ये एक दूसरे के डुअल होते हैं. ज्यादातर सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और क्रिटिकल सेक्शंस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्रिएट किए हैं वो ज्यादातर एक दूसरे के डुअल हैं, यानी एक की टर्म्स में दूसरा एक्सप्रेस हो सकता है. तो ये रिजल्ट हमने एक तो अचीव किया था लास्ट टाइम, और उसका हमने कोड भी देखा था कि किस तरह से कंडीशन वेरिएबल्स सेमाफोर्स के तौर को यूज करते हुए एज बिल्डिंग ब्लॉक्स इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं. उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट, एक स्मॉल हमने सेक्शन देखा था जिसको हम कहते हैं थ्रेड सेफ्टी एंड री एंट्रेंट कोड. उसकी भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, और कुछ हमने देखा था कि री एंट्रेंट कोड की या थ्रेड सेफ फंक्शंस की चार, थ्रेड अनसेफ फंक्शंस की रादर चार क्लासेस होती हैं, और उन चार क्लासेस को हमने डिफाइन किया था, और फिर उनके बाद उन चारों क्लासेस को में थ्रेड अनसेफ फंक्शंस जो फॉल करते हैं उनको थ्रेड सेफ फंक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड्स यूज हो सकते हैं या होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे फॉर ऑल दोस फोर क्लासेस. फिर हमने री एंट्रेंट फंक्शंस का कॉन्सेप्ट देखा था, और हमने ये देखा था कि री एंट्रेंट फंक्शंस एक प्रॉपर सबसेट होते हैं थ्रेड अनसेफ, थ्रेड सेफ फंक्शंस का. और फिर हमने कहा था कि असल में हम किसी भी थ्रेड अनसेफ फंक्शन को जो क्लास वन या टू या थ्री को बिलोंग करता हो उसको हम एक्चुअली री एंट्रेंट बना देते हैं तो वो थ्रेड सेफ बन जाता है. और इसके, और ये इस तरह हमारा लेक्चर लास्ट टाइम का कंक्लूड हुआ था. आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम कहते हैं डेडलॉक्स. डेडलॉक्स एक ऐसा फिनोमिनन है जो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन पैदा होता है. यानी जब हम थ्रेड्स की सिंक्रोनाइजेशन करने की कोशिश करते हैं तो हम इसके नतीजे में हम पोटेंशियली इस प्रॉब्लम को हिट करते हैं. ऑल्दो के ये स्ट्रिक्टली ट्रू इस सेंस में नहीं है कि हमेशा सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स या लॉक्स या इस तरह की चीजें यूज करने ही से सेमाफोर्स या सेमाफोर द्वारा यूज करने ही से डेडलॉक क्रिएट नहीं होता, बल्कि उसकी और रीजंस भी हो सकती हैं. इसके लिए हम देखेंगे कि वो चार कंडीशंस हैं जो एग्जिस्ट करनी चाहिए डेडलॉक को ऑकर होने के लिए. तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं, और हम डेडलॉक से अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. डेडलॉक एक ऐसा फिनोमेनन या ऐसी स्टेट ऑफ द सिस्टम है जिसमें अगर सिस्टम उस स्टेट में चला जाए तो जो भी थ्रेड्स या प्रोसेसेस उस डेडलॉक के स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाते, ना तो वो रन कर सकते ना वो जो भी रिसोर्स, कोई ऐसा शेयर्ड रिसोर्स उन्होंने एक्वायर किया हुआ है ना उसको वो रिलीज कर सकते हैं, और ना ही अगर वो वेट कर रहे हो किसी और शेयर्ड रिसोर्स के लिए तो ना ही वो वेकअप भी नहीं हो सकते. यानी ना तो वो सीपीयू पे रन करते हैं, ना वो अपने रिसोर्सेज रिलीज करते हैं, और ना ही वो वेकअप होते हैं. यानी वो जो वो थ्रेड्स जो इस डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं वो टोटली ब्लॉक रहते हैं और वेट करते रहते हैं फॉर एवर. इनको, इसको ब्रेक करने का कोई डेडलॉक एक दफा तो क्रिएट हो जाए तो उसको ब्रेक करने का कोई खास तरीका नहीं होता सिवाय इसके कि आप उसकी जो कंडीशंस हैं उनको डायरेक्टली अटैक करें, और वो हम देखते हैं कि हम किस तरह से करते हैं. तो अगर हम फॉर्मली डिफाइन करें डेडलॉक को तो इट इज
phenomenon in which a set of processes is called deadlocked if each process in the set is waiting for an event that only another process in the same set can trigger or can cause. ये formal definition है deadlock. तो given this formal definition of deadlock, एक चीज मैं और point out करना चाहता हूं इस सिलसिले में कि starvation में और deadlock में फर्क होता है. ये important है concept जो कि आपको समझना जरूरी है. स्टार्वेशन के अंदर थ्रेड्स प्रोग्रेस कर सकता है, कोई ना कोई थ्रेड जो चल रहा होता है वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन दूसरे थ्रेड्स जो उससे कम प्रायोरिटी के हैं या किसी और वजह से वो उसके लिए वेट कर रहे हैं वो वेट करते रहते हैं इनडेफिनेटली. लेकिन एक वन और मोर थ्रेड्स कैन एक्चुअली कंटिन्यू देयर वर्क. स्टार्वेशन की हमने एक एग्जाम्पल भी देखी थी लास्ट टाइम, आपको याद होगा रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम में हमने जो सोल्यूशन डेवलप की थी यूजिंग कंडीशन वेरिएबल्स एंड लॉक्स, उसमें हमने ये कहा था कि हम राइटर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके नतीजे में हमने ये कहा था कि रीडर्स जो हैं वो स्टार्व हो सकते हैं अगर एक कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ राइटर्स अराइव होती रहे और राइट करके जब वो मॉडिफाई करके डेटाबेस को जब जाती है तो उस दौरान में अगर कोई और राइटर आ गया, चाहे रीडर्स की कितनी लंबी लाइन लगी हुई हो, हम राइटर को प्रायोरिटी देकर निकल जाएंगे. तो राइटर्स आते रहेंगे और वो रीडर्स को स्टार्व कर देंगे और ये पॉसिबल होता है. डेडलॉक में ऐसा नहीं होता. डेड स्टार्वेशन में क्या हो रहा है, राइटर्स आर प्रोग्रेसिंग, राइटर्स मॉडिफाई कर रहे हैं डेटाबेस को और जा रहे हैं आगे, रीडर्स अपना कोई काम नहीं कर पा रहे. डेडलॉक के अंदर ये जरूरी है कि अगर फर्ज करें रीडर्स और राइटर्स के दरमियान कोई डेडलॉक है तो रीडर्स भी कुछ ना कर सकें और राइटर्स भी कुछ ना कर सकें, यानी रीडर्स राइटर्स दोनों जो हैं वो ब्लॉक स्टेट में चले जाएं और फॉर एवर ब्लॉक रहें. ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन डेडलॉक एंड स्टार्वेशन. के स्टार्वेशन के अंदर किसी एक सेट ऑफ थ्रेड्स की या किसी एक टाइप के थ्रेड्स की या किसी एक प्रायोरिटी लेवल के थ्रेड्स की प्रोग्रेस जारी रहती है, जबकि कोई दूसरा सेट ऑफ थ्रेड्स या दूसरा टाइप का थ्रेड या सेट ऑफ थ्रेड्स है वो उसकी वजह से सफर कर रहा होता है. जबकि डेडलॉक के अंदर दोनों या हर किस्म के जो थ्रेड्स होते हैं वो टोटल जो है उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए. इफ यू लुक एट दिस स्लाइड, तो इसके अंदर मैंने ये दिखाया हुआ है कि हमारे पास सिंपल दो थ्रेड्स हैं जो कि पी ऑपरेशंस कर रहे हैं दो सेमाफोर्स के ऊपर. अभी ये सिर्फ पार्ट ऑफ द कोड है, इसमें वी ऑपरेशन आपको नहीं दिखाया हुआ, जस्ट डेडलॉक की सिंपल एक तरीन एग्जाम्पल है जिसको के डेडलॉक की इलस्ट्रेशन के लिए यूज किया जा रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट को जस्ट गेट थ्रू करने के लिए. आप देखें थ्रेड ए है वो एक्स सेमाफोर के ऊपर पी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और थ्रेड बी जो है वो वाई सेमाफोर पे पी ऑपरेशन परफॉर्म करता है. उसके बाद थ्रेड एक्स जो है वो वाई सेमाफोर पे पी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और थ्रेड ए जो है वो वाई सेमाफोर पे पी ऑपरेशन परफॉर्म करता है और थ्रेड बी एक्स सेमाफोर पे पी ऑपरेशन परफॉर्म करता है. यानी ऑर्डरिंग ऑफ दी पी ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट है दोनों थ्रेड्स में, यानी एक दूसरे का ऑपोजिट है. इस कोड में Sometimes deadlock may happen, but it will not always happen. किस तरह वो occur कर सकता है कि अगर let's say के X के ऊपर P operation perform किया है thread A ने, at the same time उसकी context switching हो गई उसके बाद foreign और फिर thread B आ गया और उसने Y के ऊपर P operation perform कर लिया, फिर वो context switch हो गया और फिर thread A आ गया और उसने Y के ऊपर P operation perform किया, क्योंकि Y is basically held by B. Assuming that Y was initialized by one और ये एक lock के तौर पे है और X भी एक lock के तौर पे, तो thread A जो है वो Y पे block हो जाएगा Y dot P पे और thread B जो है वो उसके बाद X dot P पे block हो जाएगा. तो अब जाहिर है कि thread B को X ये चाहिए कि A जो है वो X release कर दे, thread A को ये चाहिए कि B जो है वो Y release कर दे. दोनों में से कोई भी रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि वो दूसरे के लिए ब्लॉक्ड है, तो इसलिए ये फॉर एवर ब्लॉक्ड रहेंगे. लेकिन ये उसी सूरत में होगा कि अगर इनकी ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इस प्रिसाइजली इन पॉइंट्स पे हो जाए आफ्टर ईच पी ऑपरेशन, आफ्टर फर्स्ट पी ऑपरेशन रादर इनकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाए. अगर जब तक वो नहीं होगी ये कोड डेडलॉक नहीं करेगा और ये चलता रहेगा. तो स्टूडेंट्स हमने बड़ी सिंपल एग्जांपल से ये देखा कि डेडलॉक के अंदर एक सर्कुलर सी वेट चाहिए होती है हमें, यानी
इन अदर वर्ड्स, ए को वो ऐसी चीज चाहिए जिस तरह हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि ए को वो चीज चाहिए जो बी ने देनी है, बी को वो चीज चाहिए जो ए ने देनी है. और डेफिनेशन में भी क्या था कि वंस अ सेट ऑफ थ्रेड इज डेडलॉक दैट इन ईच सच दैट ईच प्रोसेस ऑफ थ्रेड इन दैट पर्टिकुलर सेट इज वेटिंग फॉर अ रिसोर्स दैट ओनली द अदर वन कैन एक्चुअली ट्रिगर, या वेटिंग फॉर एन इवेंट रादर, के जो दूसरा आदमी दूसरा थ्रेड है वो ट्रिगर करेगा. Now let us try to develop the necessary conditions for deadlock. हमारे पास deadlock के लिए चार conditions होती हैं. पहली condition है mutual exclusion. आपको याद होगा कि हमने कहा था कि synchronization problem solve करते हुए हमें लाजमी होता है कि हम mutually exclusive access करें shared resources की. और mutual exclusion का मतलब ये होता है कि हमने जब भी कोई एक थ्रेड शेयर रिसोर्स को यूज कर रहा है तो दूसरे तमाम थ्रेड्स उस वक्त शेयर रिसोर्स को यूज नहीं कर सकते, उन्हें वेट करना पड़ेगा, या तो बिजी वेट या किसी वेट क्यू पे वेट करना पड़ेगा. और इसकी कई एग्जांपल्स हमने पिछले लेक्चर्स में देखी. अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो एक बड़ी अच्छी चीज थी. हमने ये कहा था कि क्रिटिकल सेक्शंस को के अंदर जब भी थ्रेड एंटर होता है, यानी ऐसा सेक्शन ऑफ कोड जिसके अंदर वो शेयर्ड रिसोर्स एक्सेस हो रही है, तो लाजमी है कि हम उसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे गारंटी करें. लेकिन जैसे ही हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन गारंटी करते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज एक्चुअली वन ऑफ द फोर कंडीशंस फॉर डेडलॉक टू अकर. तो ये आप एक चीज ध्यान में रखें कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन के वजह से डेडलॉक हो जाता है. नंबर टू, नो डेडलॉक हो सकता है पोटेंशियली, रादर आई वुड पुट इट दिस वे. नंबर टू, नो प्रीएम्प्शन, यानी अगर किसी थ्रेड के पास कोई रिसोर्स है और वो उसको यूज कर रहा है अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, तो यू कैन नॉट टेक दैट रिसोर्स अवे फ्रॉम द थ्रेड. इट कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड, यानी थ्रेड को आप प्रीएम्प्ट करके उससे रिसोर्स ले नहीं सकते. ये सेकंड कंडीशन है. जब भी ऐसी कंडीशन होगी कि आप उस थ्रेड को प्रीएम्प्ट ना कर सकते हो, तो पोटेंशियली डेडलॉक हो सकता है, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी गारंटीड है तो. नंबर तीन, होल्ड एंड वेट, यानी एक थ्रेड ने एक रिसोर्स को कैप्चर किया हुआ है, यानी एक्वायर किया हुआ है. फॉर एग्जांपल एक लॉक है, उसको एक्वायर किया हुआ है और फिर कोई अपने क्रिटिकल सेक्शन में गया हुआ है, और उसी क्रिटिकल सेक्शन के दौरान, यानी रिसोर्स को रिलीज किए बगैर, वाइल इट इज होल्डिंग अ पर्टिकुलर रिसोर्स, इट रिक्वायर्स एन अदर रिसोर्स एज वेल, एंड दैट अदर रिसोर्स इज बीइंग हेल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम बाय अनदर थ्रेड. यानी होल्ड एक रिसोर्स को किया हुआ उसने और वेट किसी और रिसोर्स के लिए करना शुरू कर दिया. तो एक रिसोर्स उसके पास है और एक उसे चाहिए, और वो जो चाहिए वो किसी और के पास है, लिहाजा उसे वेट करना पड़ रहा है. तो इसको कहते हैं हम होल्ड एंड वेट, यानी होल्डिंग अ रिसोर्स माई सेल्फ एंड वेटिंग फॉर अनदर वन विच इज बीइंग हेल्ड बाय अनदर वन, अनदर थ्रेड. ये तीसरी कंडीशन है. और चौथी कंडीशन है सर्कुलर वेट, यानी ऐसा साइकिल या साइक्लिक वेट जिसको कहते हैं, ये एग्जिस्ट करना चाहिए एक रिसोर्सेस का. अगर हम एक ग्राफ बनाए, इसको हम ग्राफ थ्री वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो रिसोर्सेस का अगर हम एक ग्राफ बनाए तो एक साइकिल उसके अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए फॉर डेडलॉक टू अकर. साइकिल के होने का मतलब क्या है एग्जिस्ट करने का, कि अगर एक डायरेक्टेड ग्राफ हो जिसका हम एक छोटा सा मॉडल अभी हम देखेंगे के ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द थ्रेड्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय द थ्रेड, तो इस रिसोर्स ग्राफ के अंदर एक साइकिल एग्जिस्ट करना चाहिए कहीं ना कहीं किसी भी लेवल का. तो बेसिकली ये जो चौथी कंडीशन है, इसका मतलब क्या है कि मुझे एक रिसोर्स चाहिए और आपको और मैंने एक रिसोर्स एक्वायर की हुई है, और एक रिसोर्स मुझे चाहिए, होल्ड एंड वेट होगी. वो रिसोर्स किसी और के पास है, उसको कोई और रिसोर्स चाहिए, और फाइनली किसी एक इस पूरे सर्कल में फाइनली जो मैंने रिसोर्स एक्वायर की हुई है वो भी किसी थ्रेड को चाहिए, और एक डिपेंडेंसी क्रिएट हुई है एक पूरे सर्कल में जो फाइनली मुझ तक आ रही है. तो मैं उन तमाम थ्रेड के साथ जिनके साथ डिपेंडेंसी का ये सर्कल क्रिएट हुआ है, मैं डेडलॉक में हूंगा. ये चारों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं डेडलॉक के लिए. अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम एक सिंपल मॉडल डेवलप करने की कोशिश करते हैं डेडलॉक की इसका एलोकेशन का, रिसोर्स एलोकेशन का, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेडलॉक को इलस्ट्रेट करते हैं या उसको यानी डेमोस्ट्रेट करते हैं. बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मैंने रिसोर्स ग्राफ की बात की है, तो इसके अंदर
आपको नजर आ रहा है इस स्लाइड में कि दो रिसोर्सेज हैं R1 और R2 और दो प्रोसेसेस हैं P1 और P2 और रेड के जो एरोस हैं वो आपको ये दिखा रहे हैं कि रिसोर्स R1 इज हेल्ड बाय और जो डॉटेड एरोस हैं रेड वाला वो दिखा रहे हैं कि R1 इज वेटिंग ऑन वेटेड अपॉन बाय तो यानी P2 जो है वो R1 के लिए वेट कर रहा है P1 को R1 एलोकेट हुआ है जबकि R2 जो है वो P1 उसके लिए वेट कर रहा है और वो P2 को एलोकेट हुआ है तो इस तरह से एक पूरा सर्कल बन रहा है कि R1 को जो है वो P2 चाहिए जबकि P2 R2 के पास है और R2 को P1 चाहिए जबकि P1 R1 के पास है तो ये एक इरिड्यूसिबल साइकिल है इस रिसोर्स ग्राफ पे और इसी साइकिल के एग्जिस्ट करना इसके लिए जरूरी है इसमें आप देखें कि चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है डेडलॉक की वो किस तरह कि जो P1 रिसोर्स है R1 के पास वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिवली हेल्ड है उसके पास उसको प्रीएम्प्ट नहीं किया जा सकता R1 होल्ड एंड वेट में है R2 भी होल्ड एंड वेट में है और एक सर्कल भी बना हुआ है तो लिहाजा ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इन्हीं चार कंडीशन के सेटिस्फेक्शन का नाम डेडलॉक है। अब एक ये इसकी एग्जांपल थी कि कितने आप बजाहिर इस कोड को देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि इसमें डेडलॉक लग सकता है क्योंकि ये ऑर्डरिंग ठीक है बेसिकली जनरली तो लग रहा है कि इसमें डेडलॉक डिटेक्ट करना मुश्किल है कि सिंपल कोड को देख के इसी यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेडलॉक असल में काफी सटल तरीकों से लगता है काफी हिडन किस्म के तरीकों से लगता है। अच्छा इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कंसिडर करने का ये है कि जरूरी नहीं है कि आप लॉक्स अगर इन्वॉल्व हों बीच में और आप जो है वो कोई सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव यूज कर रहे हो मतलब सेमाफोर्स या लॉक्स या कंडीशन वेरिएबल्स या सो ऑन एंड सो फोर्थ तभी आप डेडलॉक कर सकें उसके अलावा भी डेडलॉक पॉसिबल होता है और हम इसकी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि जिसमें हम कोई सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव यूज नहीं कर रहे सिंपल मैसेज पासिंग या नेटवर्क ट्रैफिक यूज कर रहे हैं और उसमें भी डेडलॉक लग गया और ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एग्जांपल इसकी नजर आ रही है। कंसीडर टू थ्रेड्स दैट सेंड एंड रिसीव डाटा टू ईच अदर यूजिंग टू सर्कुलर बफर्स। अब बफर का जो साइज है वो 4K बाइट्स है और हमारे पास थ्रेड 1 है जिसने सेंड किए हैं बेसिकली बाइट्स थ्रेड 2 को और फुल बफर आपको याद होगा कि बाउंडेड बफर प्रॉब्लम में प्रोड्यूसर कंज्यूमर वाले में क्या होता था कि अ फुल बफर कॉजेज द सेंडर टू ब्लॉक अंटिल द रिसीवर रिमूव्स डाटा। नाउ वी सेंड n बाइट्स टू T2 ठीक है बफर का साइज 4K है T2 के का कोड ये कहता है कि व्हाइल यू रिसीव 4K बाइट्स ऑफ डाटा यू बेसिकली डू नथिंग एंड देन प्रोसेस द डाटा एंड देन सेंड 4K रिजल्ट टू T1 और T1 जो है उसके बाद सेंड करने के बाद वो रिसीव डाटा पे चला गया और जब तक रिसीव डाटा मिल रहा है वो डाटा को डिस्प्ले करते रहेगा और उसके बाद एग्जिट कर जाएगा। अब इसमें व्हाट्स क्वेश्चन ये है व्हाट साइज ऑफ एन विल कॉज दिस कोड टू एक्चुअली डेडलॉक। अगर एन जो है वो 4K से कम हो और आप लेट्स से 3K बाइट्स उसको भेजें T2 को तो वो क्या करेगा कि 4K रिसीव करने तक इस व्हाइल लूप में फंसा रहेगा ये T1 जो है सेंड करके फारिग हो जाएगा और उसके बाद वो रिसीव डाटा पे जाके फंस जाएगा। नाउ T1 क्योंकि T2 को कभी 4K पूरे मिले ही नहीं उसके व्हाइल लूप क्योंकि 4K की कंडीशन पे लगा हुआ है तो इट विल नॉट एक्चुअली कम आउट ऑफ द लूप और जाहिर है कि ना तो T2 को 4K मिले नहीं तो T2 विल नेवर कम आउट ऑफ द लूप एंड इट विल नॉट बी एबल टू सेंड द रिजल्ट बैक टू T1 एंड T1 विल फॉरएवर कीप ऑन वेटिंग ऑन रिसीव डाटा। तो ये एक डेडलॉक इसमें लग जाएगा इसमें कहीं पे भी लॉक या सेमाफोर कहीं यूज नहीं हो रहा लेकिन इसके बावजूद डेडलॉक लग गया। सो ऑब्वियसली देयर इज अ बग इन दिस कोड दैट T2 मस्ट नॉट एक्चुअली बी एक्सपेक्टिंग 4K बाइट्स ऑफ द टाइम लेकिन इस तरह के बग्स काइंड ऑफ कॉमन हो सकते हैं लेकिन इस बग का प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पूरा दोनों थ्रेड डेडलॉक हो गए। अगर मल्टीपल थ्रेड्स और यानी ज्यादा थ्रेड इन्वॉल्व होते तो सारे ही डेडलॉक हो जाते क्योंकि कोई किसी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता और वो उसको डाटा ना भेज रहा होता और इस तरह से फाइनली एक पूरा लंबा सर्कल बन जाता ये भी हो सकता था। डेडलॉक्स को जाहिर है कि डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं होता आपको सिंपली कोड देख के या सिंपली डिबगिंग टेक्निक्स जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उनसे डेडलॉक्स का पकड़ा जाना तकरीबन नामुमकिन होता है।
इसलिए डेडलॉक के बारे में ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक स्पेशल सिनेरियो होता है जो कि नॉर्मली डीबगिंग से या कोड को सिंपली व्यू करने से बहुत कम होता है कि चांसेस कि आप डेडलॉक को पकड़ सकें। उसकी वजह ये होती है कि ये हमेशा हर दफ़ा ऑकर नहीं होता, यानी नॉर्मली आपका कोड ठीक चलता रहेगा, लेकिन क्योंकि उसमें एक पोटेंशियल है डेडलॉक लगने का, डिपेंडिंग अपॉन के कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की जो पूरी एक ऑर्डरिंग है वो क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करके डेडलॉक लगेगा। नाउ लेट अस कंसिडर सम सॉल्यूशंस टू द डेडलॉक प्रॉब्लम, कि डेडलॉक को हम कैसे किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, डेडलॉक की सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहली तो सॉल्यूशन ये है कि आप डेडलॉक जब लग जाए तो आप उसको डिटेक्ट करें और उसको फिर फिक्स कर दें, यानी रिकवरी डेडलॉक से, यानी आपको ये पता लग जाए किसी तरह से विद इन द सिस्टम के इस ये सेट ऑफ प्रोसेसेस डेडलॉक्ड है फॉर एंड यू जस्ट बेसिकली फिक्स इट। पता कैसे लगेगा? पता इस तरह लगेगा कि जब, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने ये कहा था कि जितने भी सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स होते हैं, लॉक्स हैं, कंडीशन वेरिएबल्स वगैरह वगैरह, दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के जो सिस्टम कॉल्स की सूरत में ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया होता है, यानी उनके जो लॉक एक्वायर, लॉक रिलीज, सेमाफोर पी, सेमाफोर वी और कंडीशन वेरिएबल्स, वेट, सिग्नल के ऑपरेशन सारे होते हैं, ये सब सिस्टम कॉल्स होती हैं नॉर्मली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप एंटर होते हैं जब भी आप किसी लॉक को एक्वायर करते हैं अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले, या तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन प्रिमिटिव्स की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर वो जो रिसोर्स ग्राफ है उसको बिल्ड कर सकता है, यानी जो भी प्रोसेस या थ्रेड लॉक किसी पर्टिकुलर लॉक को एक्वायर कर रहा है तो उस लॉक के साथ को इन्वॉल्व करके एक रिसोर्स ग्राफ बनाया जा सकता है कि जी इस टाइम पे जो आपका ये लॉक है ये हेल्ड बाय दिस थ्रेड है और ये थ्रेड जो है वो फलां लॉक की वेट क्यू के ऊपर इस वक्त मौजूद है और दूसरा थ्रेड जो है वो इस थ्रेड की वेट, इस लॉक की वेट क्यू पे मौजूद है जो कि इस प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। तो एक पूरा एक रिसोर्स ग्राफ इंटरनली बाय व्हाइल इट दीज सिस्टम कॉल्स आर बीइंग इन्वोक्ड बाय मल्टीपल थ्रेड्स इंटरनली बिल्ड किया जा सकता है। तो अगर रिसोर्स ग्राफ साथ साथ बिल्ड होता रहे, एलोकेशन का जो ग्राफ होता है जिसकी हमने एग्जांपल भी देखी पहले, तो उस ग्राफ के अंदर पीरियोडिकली यू कैन ट्राई टू डिटेक्ट साइकिल्स। यानी ग्राफ थ्योरी में बड़े वेल नोन एल्गोरिथम्स हैं किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल्स डिटेक्ट करने के, तो यूजिंग एनी ऑफ दोज एल्गोरिथम्स, वेल नोन एल्गोरिथम्स, वी कैन इंटरनली रन दैट एल्गोरिथम पीरियोडिकली और एट सर्टन पॉइंट्स इन टाइम, लाइक सर्टन इवेंट्स के ऑकर होने पे, या इवन मे बी हर एलोकेशन के ऊपर, हर लॉक एक्विजिशन के ऊपर, हर रिलीज के ऊपर या समथिंग लाइक दैट। और इसी तरह से जो है डिफरेंट और भी स्केजुलिंग पॉइंट्स होते हैं जहां पे स्केजुलिंग स्केजुलर इन्वोक हो रहा है उस टाइम पे, या और इस तरह के पॉइंट्स डिटर्मिन किए जा सकते हैं कर्नल के अंदर कि जहां पे वो एल्गोरिदम रन किया जाए ओवर ऑल लॉक्स या ऑल सेमाफोर्स एंड एवरीथिंग। और उसके बाद उसको जो है वो, वंस द साइकिल इज डिटेक्टेड द नेक्स्ट पार्ट इज द हार्ड वन, व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब आपको पता चल गया डेडलॉक लगा हुआ है और ये सेट ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्वड है इसमें, या ये थ्रेड्स इन्वॉल्वड है। प्रॉब्लम उसमें ये है कि अब आपको कोई एक थ्रेड बेचारा चूज करना है जिसको आप किल कर दें, और वो थ्रेड किस तरह चूज होगा ये एक खासा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, because there is no simple way of choosing basically a thread to actually kill. जाहिर है कि बहुत सारे threads आपके involve हो सकते हैं deadlock के अंदर, उनकी अपनी priorities हैं, उनकी अपनी अहमियत है system के लिहाज से। अब किस को culprit बना के आप उसको shoot कर दें, यानी shoot करने का मतलब ये है कि या तो उसे kill कर दें या उससे वो resource ले लें, और यानी प्रियम्पशन कर दें उसकी, यानी रिसोर्स जो जिसने कहा था कि नो प्रियम्पशन के कंडीशन को अटैक कर दें, और इस तरह से आप साइकिल को ब्रेक कर दें। जब साइकिल को ब्रेक करेंगे तो फाइनली जो है वो प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी दोबारा, क्योंकि वो जिस जो थ्रेड उस
जो किल होगा उसने जो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है वो नेक्स्ट जो उसकी वेट क्यू में है उस रिसोर्स की यानी उस लॉक की उसको मिल जाएगा रिसोर्स, वो फाइनली प्रोग्रेस करेगा, फिर इसी तरह से वो अपनी रिसोर्स छोड़ेगा, फिर उसके पीछे जो सर्कल बना हुआ है पूरा वो अपनी रिसोर्स छोड़ेगा, फाइनली प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। तो एक ये तरीका है, लेकिन जाहिर है कि ये एक कंबरसम तरीका है। इसमें थ्रेड को चूज करना कि जिसको किल किया जाए जिससे रिसोर्स ली जाए वो एक मुश्किल डिसीजन है और वो बिल्कुल आर्बिट्रेरी डिसीजन है। इसके अंदर कोई इन्वॉल्व नहीं होता कि आप कोई कम्प्लेक्स किस्म का एल्गोरिज्म लगा दें, सिंपली ह्यूरिस्टिक होती है कि अच्छा जी रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, आमतौर पर रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि इस थ्रेड को किल कर देते हैं इस पूरे साइकिल में। दूसरा प्रॉब्लम इस सॉल्यूशन में यह भी है कि एक्चुअली जो साइकिल डिटेक्शन का एल्गोरिज्म रन करना है वो एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। उसको आप कितने कितने पीरियड्स में रन करते हैं और किस किस तरह से किस किस वक्त उसको रन करते हैं, किन किन इवेंट्स के ऊपर रन करते हैं कर्नल के अंदर, ये एक खासा बड़ा ओवरहेड होता है और इसका काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। ये ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी को काफ़ी मुतासर कर सकता है कि बैकग्राउंड में अचानक आपने जो है वो एल्गोरिज्म रन करना शुरू कर दिया और सिस्टम जो है वो ज़ाहिर है बिजी हो जाएगा एल्गोरिज्म में, फंस करें कि सैकड़ों थ्रेड्स इन्वॉल्व हैं डेडलॉक में, तो यू विल बी रनिंग इनटू सम एन स्क्वायर्ड या जिस तरह के भी एल्गोरिज्म होते हैं उसके ऑर्डर में आप एक सैकड़ों थ्रेड्स को हैंडल कर रहे होंगे और फिर आप डिटेक्ट करेंगे साइकिल है और फिर देखेंगे आगे। ज़ाहिर है कि ये एक इन अब ज़्यादातर केसेस में तो डेडलॉक नहीं होगा, तो जाहिर है कि इनफ्रीक्वेंट होगा, तो इसलिए साइकिल ज़्यादातर जो साइकिल डिटेक्शन के एल्गोरिथम है वो तो फॉल्स ही रिटर्न करेगा कि कोई साइकिल नहीं है, लेकिन वो खामखा रन हो रहा है हर टाइम पे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप जो थ्रेड्स ने एक्शन किए हुए हैं अब तक, जब भी वो देखता है कि जो है वो डेडलॉक हो गया है तो जितनी भी उसने एक्शंस किए थे उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में जिसमें एक लॉक एक्वायर किया, कोई ऑपरेशन किया, फिर दूसरा लॉक एक्वायर किया उसको होल्ड करते हुए, तीसरा लॉक एक्वायर किया उसको होल्ड करते हुए, वो सबको रोल बैक करे, जो कुछ वो कर चुका है वो उसको अनडू करे। इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं ट्रांजेक्शन्स का कॉन्सेप्ट, यानी हम हर थ्रेड की ऑपरेशंस में कुछ डिफाइन कर देते हैं एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को कि ये ट्रांजेक्शन है हमारी। ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि या तो वो पूरी होगी या वो बिल्कुल नहीं होगी, यानी इन अदर वर्ड्स जब भी ट्रांजेक्शन एक स्टार्ट होती है और उसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आखिरी तक जाते हैं, और अगर दरमियान में कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें कि लेट्स से डेडलॉक लग जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिसमें ट्रांजेक्शन आगे फर्दर प्रोसीड ना कर सकती हो या कंप्लीट ना कर सकती हो, तो वो अपने अब तक के किए हुए तमाम कामों को अनडू करती है वन बाय वन, और उसके बाद बिल्कुल उसके बाद इनिशियल स्टेट में आ जाती है जिसमें कि वो ट्रांजेक्शन शुरू करने से पहले थी। ये एक बड़ी कॉमन टेक्निक है जो डेटाबेसिस में हैवीली यूज होती है, यानी एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजेक्शन का जिसमें आप कोई भी रिकॉर्ड मॉडिफाई करते हैं या सेट ऑफ रिकॉर्ड्स मॉडिफाई करते हैं या सेट ऑफ टेबल्स को एक्सेस करते हैं, उन तमाम को आप एक जो इस क्वेरी के अगेंस्ट जो आप ये काम कर रहे हैं कि जिस क्वेरी के अगेंस्ट उसको आप एक ट्रांजेक्शन कंसिडर करते हैं, और उस ट्रांजेक्शन के अंदर जो जो टेबल्स इन्वॉल्व हैं जो जो रिकॉर्ड्स इन्वॉल्व हैं उनका आप हिसाब किताब रखते हैं, और अगर वो पूरा मॉडिफिकेशन एंड तक कमिट ना हो सके तो आप उसको बारी बारी अनडू करते हैं जो कुछ आपने किया होता है। तो ट्रांजेक्शन जो हैं वो इस तरह से इस असूल पे काम करती हैं और इनमें हम रोल बैक का मैकेनिज्म यूज करके हम अनडू कर देते हैं। अगर आप इस स्लाइड पे देखें, इसको हम कहते हैं टू फेज कमिट जो है मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया गया, कि एक सिंपल आपने फाइल को प्रिंट करना है, लेट्स से एक फाइल है जिसको एक थ्रेड ने प्रिंट करना है, तो सबसे पहले वो फाइल को लॉक करेगा, उसका जो प्रोसीजर है प्रिंट फाइल का। अब ये फाइल को प्रिंट करने को हमने एक ट्रांजेक्शन करार दिया और इसको हमने कहा है कि जी सबसे पहले फाइल लॉक होगी ताकि उस फाइल को कोई और थ्रेड उस टाइम पे मॉडिफाई ना कर सके जिस वक्त की वो प्रिंट हो रही है। उसके बाद हमने प्रिंटर को लॉक कर लिया ताकि प्रिंटर पे सिर्फ हमारा ही प्रिंट निकले फाइल का, कोई और थ्रेड अपना प्रिंट एक उसी टाइम पे ना कर सके ताकि प्रिंट्स जो है आपस में पेपर्स के ऊपर मिक्स ना हो जाए।
उसके बाद हमने डिस्क को लॉक किया कि जो जिस पे जो है जिस पोर्शन पे फाइल जो है रिजाइड करती है उसकी, और उसके बाद हमने लेट से कि वो एक्चुअल काम किया जो भी हमने करना था। लेट से ये जस्ट एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स के तौर पे हमने दिखाया है कि फाइल लॉक, प्रिंट लॉक, ये तीन रिसोर्सेज इसमें इन्वॉल्व हैं अज्यूमिंग इस प्रिंट फाइल के जॉब में या टास्क में। इन तीनों को हमने लॉक करके और अपना काम शुरू किया अपना, और उसके बाद हमने उन सबको रिलीज कर दिया बारी बारी जब भी हम काम खत्म कर लिया। अगर हमने प्रिंट का काम लेट से के शुरू कर दिया और इस दौरान में कोई प्रॉब्लम हो गई या हमने लेट से के जो है हम प्रोसीड नहीं कर सके, तो हम बारी बारी सबको अंडू करके लॉग अंडू करके चले जाएंगे और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल ट्रांजेक्शन की एग्जाम्पल है। इसमें जो है वो इसका प्रो क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये डायनेमिक है, सिंपल है और फ्लेक्सिबल है, और इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ रिसोर्सेज से इंक्रीज होती जाएगी। जितने भी आप नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपको चाहिए किसी भी ट्रांजेक्शन में, अगर वो लेट से के बढ़ जाते हैं तो हर रिसोर्स को एक्वायर करने के लिए आपको पोटेंशियली वेट करना पड़ सकता है उसकी क्यू के ऊपर। तो जाहिर है कि ट्रांजेक्शन की जो कॉस्ट है, ट्रांजेक्शन का जो टाइम है, वो बहुत लंबा होता चला जाता है जिस तरह रिसोर्सेज उसमें इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसमें यह है कि क्रिटिकल सेक्शन की लेंथ जो है वो आर्बिट्रेरीली लॉन्ग हो सकती है या खासी लंबी हो सकती है। उसकी वजह यह है कि आपने पहले सारे रिसोर्सेज एक्वायर किए, यानी आपने पहले लेट से अगर 6 रिसोर्सेज आपको चाहिए थे तो उन 6 रिसोर्सेज को आपने उनके लॉक्स को एक्वायर किया और उसके बाद आपने उनको यूज करना शुरू किया, यानी फर्स्ट यू वेटेड फॉर ऑल ऑफ देम टिल यू हैव एक्वायर्ड ऑल ऑफ देम, you haven't started using them, even a single one of them. अब आपका critical section के अंदर क्या हो रहा है कि आप 6 resources को बारी बारी use करेंगे जिनके लिए आपने acquire किया और फिर उनको बारी बारी release करेंगे। तो जाहिर है कि इसके मुकाबले में अगर आप ये करते कि आप पहले एक resource acquire करते, उसको use करते, उसके बाद उसको release करते और फिर दूसरा resource acquire करते, उसको use करते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो जाहिर है कि आपके क्रिटिकल सेक्शन छोटे छोटे होते, यानी वो उतने ही पीरियड के होते जितने के आप वो पर्टिकुलर रिसोर्स एक्वायर कर रहे हैं। अब आपने 6 रिसोर्सेज चूंकि एक्वायर किए, सारे एक्वायर किए और उनको यूज कर रहे हैं, तो जाहिर है कि ये एक लंबा क्रिटिकल सेक्शन हो गया। तो एक ही क्रिटिकल सेक्शन आपने कर दिया और उसको काफी लंबा कर दिया, तो ये भी एक उसका एक डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग क्रिटिकल सेक्शंस आर डिस्करेज्ड नॉर्मली, क्योंकि उसमें यूटिलाइजेशन अच्छी नहीं रहती। क्योंकि होता ही है कि जब आप जो है वो एक रिसोर्स एक्वायर करके छोड़ देते हैं और फिर दूसरे पे जाते हैं, तो उस रिसोर्स को जिसको आपने रिलीज किया है उसको कोई और यूज कर सकता है उस टाइम पे, क्योंकि आप तो यूज नहीं कर। तो इसलिए कोड को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि आप रिसोर्सेज की यूसेज को ओवरलैप कर लें ज्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू पूरी ट्रांजेक्शन के अंदर पहले आप पूरा एक्वायर कर लें और उसके बाद एक फेज कंप्लीट हो और फिर सेकंड फेज में यूज करके रिलीज करें, इसीलिए इसको टू फेज कमिट कहते हैं बाय द वे। तो एक तो ये इसमें इशू है। उसके बाद इसमें एक इशू ये भी है कि आपको नॉर्मली एक डेटाबेस ट्रांजैक्शंस के केस में तो आपको पता होता है, या बहुत ही सिंपल जो प्रॉब्लम्स होती है जैसे प्रिंट फाइल की हमने देखी, उसमें तो पता होता है कि हमने इस पर्टिकुलर टास्क के लिए कितने रिसोर्सेज यूज करने। लेकिन बास केसेस में ये होता है कि आपको रिसोर्सेज कंडीशनली एक्वायर करने पड़ते हैं, यानी अगर आपका कोड रन करे और रन टाइम पे उस वक्त जो है वो कोई ऐसी कंडीशन ट्रू हो जाए जिसके केस में आपको वो रिसोर्स की जरूरत पड़ती हो, अदरवाइज ना पड़ती हो, तो जाहिर है कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है। तो इस किस्म की सिचुएशन में आपको नहीं पता होता कि आपको एक्चुअली कितने रिसोर्सेज चाहिए। अगर आप वो तमाम कंडीशंस में आपको जो जो रिसोर्सेज कंडीशनली चाहिए हो सकते हैं उन सब की लिस्ट बना के आप रख लें और उनको पहले से ही एक्वायर कर लें, तो जाहिर है कि ये वो भी एक इनएफिशिएंट चीज है, क्योंकि मोस्ट केसेस में वो कंडीशंस ऑकर ही नहीं होंगी रन टाइम पे और आपको रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आपने पहले से उनको कमिट कर लिया अपने पास। तो यानी कि ये भी एक इशू है कि इसमें कि यू नीड टू, इट्स हार्ड टू नो अ प्रायोरिटी या पहले से कि आप सारे रिसोर्सेज का पता हो अपने कि मेरे कोड को किस रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं दूसरी सॉल्यूशन की तरफ के जो डेडलॉक्स की प्रिवेंशन कहलाती है। प्रिवेंशन में हम ये करते हैं कि जो 4 कंडीशंस हमने बताई हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, इनको अटैक करते हैं बारी बारी।
इनमें से किसी एक को भी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। एक को तो हमने देख लिया कि हम साइकिल डिटेक्ट करके उससे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इन चार कंडीशंस को सिरे से अकर ही ना होने दें इन द फर्स्ट प्लेस, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ज़ाहिर डेडलॉक जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा। यानी फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन ये है कि आप कहते हैं कि जी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नाउ इफ वी डू नॉट शेयर द रिसोर्स एट ऑल, लेट्स से हम कहते हैं हर थ्रेड अपनी रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा और किसी से शेयर नहीं करेगा, तो टोटली इंडिपेंडेंट थ्रेड्स हो इन अदर वर्ड्स हमारे या प्रोसेसेस हो, तो जाहिर है कि कोई उसमें क्रिटिकल सेक्शन का सवाल ही नहीं है और डेडलॉक भी अकर नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, बल्कि जबकि आपके जब भी लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कम्प्लेक्स टास्क होते हैं, तो टास्क जो होते हैं नॉर्मली इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जिस जिस तरह से सॉफ्टवेयर इवॉल्व करता है उसके अंदर ऐसे टास्क ऐड होते चले जाते हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। लिहाजा इस चीज़ को मेक श्योर करना तकरीबन नामुमकिन होता है कि आपकी कभी भी किसी बड़े सॉफ्टवेयर में जो है वो रिसोर्सेज शेयर नहीं होंगी। तो ये सिंपल प्रोग्राम्स में तो पॉसिबल है ऑब्वियसली, लेकिन जो ज़्यादातर आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर कंकरेंसी कहीं ना कहीं आई जाती है और आपको वहाँ पर शेयर रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर सकें, यानी आप किसी एक जो लेट्स से कि जब भी आप देखें कि रिसोर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी थ्रेड को प्रीएम्प्ट करके उससे रिसोर्स ले सकें। इसके एक दो तरीके पॉसिबल हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि जो भी सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स हैं उनके अंदर एक टाइम आउट वैल्यू ऐड कर दें, यानी जब भी आप वेट पे जा रहे हैं किसी भी रिसोर्स के लिए तो आप ये देखते हैं कि आप जो है वो मैं इतनी देर के लिए वेट करूंगा, अगर तो रिसोर्स मिल गया तो ठीक है, वरना फिर मैं टाइम आउट कर दूंगा। और टाइम आउट जब हो जाए तो जाहिर है कि आप उसमें कुछ और कर सकते हैं कि जी ये रिसोर्स तो मुझे नहीं मिला, तो देन यू कैन एक्चुअली डू सम अल्टरनेटिव थिंग, या उसको रीट्राई कर सकते हैं समथिंग लाइक दैट, लेकिन इस तरह आपकी प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। इन अदर वर्ड्स आपका जो है वो वेट इनडेफिनेट नहीं होगा। उसके बाद एक और सोल्यूशन ये हो सकती है कि यू बेसिकली नो दैट दीज आर द रिसोर्सेज दैट आई रिक्वायर एंड रिजर्व ऑल ऑफ देम इन द बिगनिंग। तो इसकी हमने पहले भी एग्जाम्पल देखी है, मैंने आपको बताया कि ये इनएफिशिएंट होता है, जाहिर है कि आपको कंडीशनली रिसोर्सेज चाहिए हो सकते हैं अपने एग्जीक्यूशन के दौरान, तो लेकिन इससे भी डेडलॉक अवॉइड हो जाएगा। भारत बैंकर्स एल्गोरिथम प्रैक्टिस में तो रेयरली यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर भी ये रिक्वायरमेंट है कि आपको ये पहले से बताओ कि मुझे कौन कौन सी रिसोर्सेज चाहिए। अच्छा, इवन अगर आपको ये पता भी हो कि आपको जो है वो ये रिसोर्सेज चाहिए हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पे सर्टेनिटी से पता नहीं होता। यानी आपको ये पता होता है कि ये अगर ये कंडीशन अराइज होगी तो मुझे ये रिसोर्सेज पोटेंशियली चाहिए हो सकती, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रिसोर्सेज भी आपको सर्टेनिटी से बताओ कि ये चाहिए। इसलिए आमतौर पर बैंकर्स एल्गोरिथम यूज होता नहीं है किसी भी रियल सिस्टम में, लेकिन ये एक थ्योरेटिकली ये एक अच्छा एल्गोरिथम है इसको समझने के लिए कि डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए इस तरह की टर्म्स के ऊपर या इस तरह की जो प्रिंसिपल्स के ऊपर आप कुछ फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। बैंकर एल्गोरिथम में क्या होता है कि एक हमने अज्यूम किया हुआ एक बैंकर है, और बैंकर ने यह हिसाब रखा हुआ है कि किस थ्रेड को कितने रिसोर्सेज चाहिए, जो कि थ्रेड शुरू में आके अपना जो इंटरेस्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पर्टिकुलर टाइप वो रजिस्टर कर देता है बैंकर के पास आके, और बैंकर ने यह हिसाब भी रखा होता है कि टोटल रिसोर्सेज कितने हैं मेरे पास इस पर्टिकुलर टाइप के, और हर थ्रेड को कितने कितने मैक्सिमम चाहिए ये भी रखा होता है, और उसके बाद जैसे ही जैसे रिक्वेस्ट आती हैं थ्रेड्स की तो वो उनको असाइन करता रहता है यूजिंग सर्टेन एल्गोरिथम, और उस एल्गोरिथम में वो ये करता है कि वो ये देखता है कि क्या इस थ्रेड को अगर मैं ये रिसोर्स दे दूं तो क्या ये थ्रेड और बाकी तमाम थ्रेड्स जो इस वक्त जिनकी रिक्वायरमेंट्स इस रिसोर्स के लिए है क्या वो अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, यानी पोटेंशियली वो कंप्लीट कर सकते हैं, यानी ऐसा पोटेंशियली कोई पाथ है जो बगैर डेडलॉक के
इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को कंप्लीट कर देगा कि साइकिल ऑकर हुए बगैर। अगर कोई ऐसा पार्ट एग्जिस्ट कर सकता हो पोटेंशियली, तो वो ये रिसोर्स को की जो रिक्वेस्ट है इसको एंटरटेन करता है, अदरवाइज वो नहीं करता। और इसमें वो एक बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम रन करता है जिसकी एग्जांपल आपको सारी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगी। सिल्वर शेड्स की बुक ले लें या टेनबॉम की बुक ले लें, उसके अंदर बैंकर्स एल्गोरिथम की एक क्लासिक एग्जांपल दी होती है जिसके अंदर मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं और मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं जो कि अपनी मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर टाइप के रिसोर्स की वो रिस्क कर देते हैं और फिर वो एक सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट उसमें दी होती हैं जिसमें वो जिसके जरिए से वो रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। इसमें वो ये करता है बेसिकली कि इट अलाउज अ थ्रेड टू प्रोसीड विद द रिक्वेस्ट इफ द टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज माइनस द नंबर ऑफ एलोकेटेड रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम रिमेनिंग रिसोर्सेज दैट दिस थ्रेड माइट नीड इन फ्यूचर। ये आप एक सिंपल एल्गोरिथम जो है ये रन करके और इसकी आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। मैं आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल एग्जांपल इन द लेक्चर क्योंकि ये सारी टेक्स्ट बुक्स में मिल जाती है, लेकिन बेसिकली जो मैंने आपको बताया है और ये स्लाइड में ही मौजूद है, ये एल्गोरिथम आप ये बेसिकली ये फार्मूला से वो इस फार्मूला से रिसोर्सेज को एलोकेट करता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि बैंकर एल्गोरिथम जो है वो प्रैक्टिकली यूज बहुत कम होता है। एक और जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथडोलॉजी है डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए वो होती है रिसोर्स की नंबरिंग और रिसोर्स की ऑर्डरिंग। ये एक जो है वो ऐसी मेथडोलॉजी है जो प्रैक्टिकल भी है और ये डेडलॉक्स के केस में काफी यूज भी होती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम हर रिसोर्स को या हर रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने वाला जो लॉक होता है या सेमाफोर होता है जो भी है, क्योंकि मैं दोनों को सिनोनिमसली यूज कर रहा हूँ। रिसोर्स मींस के अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो उसके साथ एक लॉक एसोसिएटेड है। तो हर रिसोर्स को हम एक नंबर असाइन करते हैं। हम कहते हैं कि जी ये रिसोर्स नंबर वन है, ये रिसोर्स नंबर टू है, ये रिसोर्स नंबर थ्री है, या लेवल्स असाइन करते हैं। लेट्स से कि इस लेवल वन के ऊपर ये रिसोर्सेज है, लेवल टू के ऊपर ये रिसोर्सेज है। वो हर लेवल के ऊपर मल्टीपल टाइप के रिसोर्सेज हो सकते हैं और जितने मर्जी आर्बिट्ररी नंबर ऑफ लेवल्स आप डिफाइन कर सकते हैं। और हम एक रूल बनाते हैं कि ऑल थ्रेड्स विल एक्वायर द रिसोर्सेज इन द सेम ऑर्डर। यानी इन अदर वर्ड्स, अगर आपको मल्टीपल रिसोर्सेज चाहिए और फर्स्ट करें कि वो रिसोर्सेज पांच लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, या लेट्स से कि आपको लेवल वन का एक रिसोर्स चाहिए, लेवल टू के दो रिसोर्स चाहिए, लेवल थ्री का एक रिसोर्स चाहिए, लेवल फोर का एक रिसोर्स चाहिए, लेवल फाइव के तीन रिसोर्स चाहिए, लेट्स से टोटल आपको इस तरह से सम नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। आप क्या करेंगे कि आप एक रूल फॉलो करेंगे। रूल ये बताएगा कि यू मस्ट एक्वायर फर्स्ट द लेवल वन रिसोर्सेज, देन लेवल टू रिसोर्सेज, लेवल वन रिसोर्सेज को रिलीज किए बगैर, देन लेवल थ्री रिसोर्सेज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड यू मस्ट एक्वायर द रिसोर्सेज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस केस में अगर हर थ्रेड यही रूल फॉलो करे तो डेडलॉक नहीं लग सकता। व्हाई? बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट अ साइकिल इन द डायरेक्टेड ग्राफ। उसकी वजह यह है कि अगर हर थ्रेड वन टू थ्री फोर से ही होता हुआ आएगा तो जाहिर है कि वो किसी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास लेवल वन का रिसोर्स है, आपको लेवल टू का रिसोर्स चाहिए और किसी थ्रेड ने लेवल टू का रिसोर्स एक्वायर किया हुआ है और उसे वापस लेवल वन का रिसोर्स चाहिए। ये नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि उसने भी यही रूल फॉलो किया होगा। अगर वो ब्लॉक्ड होगा तो वो लेवल वन के ऊपर ही ब्लॉक्ड होगा या लेवल टू के ऊपर ब्लॉक नहीं हो सकता वो। यानी लेवल टू को होल्ड करते हुए लेवल वन के ऊपर ब्लॉक नहीं हो सकता। तो इसलिए होल्ड एंड वेट और सर्कुलर वेट दोनों जो है वो इस सेंस में, यानी सर्कुलर वेट नहीं हो सकता कभी भी उसमें। तो चूंकि सर्कुलर वेट नहीं हो सकता, साइकिल नहीं आ सकती, लिहाजा ये ऑर्डरिंग हमेशा काम करेगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसी ऑर्डरिंग को क्रिएट करना या ऐसे लेवल्स को क्रिएट करना कि जो तमाम मॉड्यूल्स को जो आपके सिस्टम के हैं, उन तमाम मॉड्यूल्स के अंदर जो थ्रेड्स हैं उन सब की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर दे, ये काफी मुश्किल काम होता है। और जितना सॉफ्टवेयर जो है वो लार्ज और कम्प्लेक्स होता है, उतना ही ऐसी ऑर्डरिंग लेके आना कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो वो मुश्किल काम होता है।
और ये तजुर्बा एनटी में हो चुका है। विंडोज एनटी के अंदर फॉर एग्जांपल जो कर्नल इटसेल्फ है, यानी इंटरनल कर्नल के कोड की बात हो रही है यहाँ पे, वो मल्टी थ्रेडेड है, यानी इंटरनली कर्नल के अपने थ्रेड्स हैं। कर्नल का डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं, मेमोरी मैनेजर है और सब सिस्टम्स हैं डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम में, ये सब इंटरनली मल्टी थ्रेडेड है। तो इन विंडोज एनटी में शुरू में ये हुआ था कि उन्होंने सेमाफोर्स के डिफरेंट लेवल्स क्रिएट किए थे, और फिर उन्होंने ये कहा था कि बेसिकली इंटरनली उन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए थे कि हम इन लेवल्स को जो है वो इस ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेमाफोर्स को यूज किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि डिफरेंट मॉड्यूल्स की आपस में ऐसी इंटरडिपेंडेंसी थी कि वो हमेशा वो लेवल्स जो है उनको वायोलेट करना पड़ता था, इसलिए दे हैड टू गिव अप द लेवल्स, और फिर बाद में सेमाफोर्स के लेवल्स जो इंटरनल सिस्टम में थे वो खत्म कर दिए गए। तो होता ये था कि आपकी जो मेमोरी मैनेजमेंट है उसने आपकी फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, फाइल सिस्टम को सर्विसेज वापस मेमोरी मैनेजर के चाहिए, एंड सिमिलरली जो आपका कैशिंग का सिस्टम है उसको भी फाइल सिस्टम की सर्विसेज चाहिए, और इसी तरह से फाइल सिस्टम की सर्विसेज फाइल सिस्टम को किसी और की सर्विस चाहिए, और उसको फिर जो है वो कैशिंग की सर्विसेज चाहिए। तो एक सर्कुलर डिपेंडेंसीज क्रिएटेड हैं पूरे कर्नल के अंदर, जो कि हमेशा हर कर्नल में होती है नॉर्मली। तो जब उनको लेवल्स के जरिए से डेडलॉक को अवॉइड करने की कोशिश की गई, तो लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट जगहों पे जाकर ब्रेक होने लगे। तो आम तो ऐसा होता है कि अगर तो लेवल्स जो हैं वो आपके काम कर जाएं, जिस तरह डेटाबेसिस के अंदर नॉर्मली काम कर जाते हैं लेवल्स, तो फिर तो ये ऑर्डरिंग वाली चीज काम करती है। अदरवाइज जिस तरह कर्नल का जो कोड होता है नॉर्मली, उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि लेवल्स जो है या नंबरिंग जो है रिसोर्सेज की, वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। इसी तरह इसकी एग्जांपल आपको नजर आएगी माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में और ओरेकल में, यानी इन दोनों में डेडलॉक्स को अवॉइड किया जाता है। मतलब ओरेकल में ये करते हैं कि आपके पास एक तो साइकिल डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि डिफरेंट पॉइंट पे चलते हैं, एसक्यूएल में भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में भी होते हैं, ओरेकल में भी होते हैं, और वो बेसिकली साइकिल्स को डिटेक्ट करते हैं और फिर किसी एक ट्रांजेक्शन को जो है वो किल कर देते हैं। जिस तरह हमने कहा था ना, एक थ्रेड को हम चूज करके किल कर देते हैं, तो ये दोनों में केसेस होते हैं। लेकिन ओरेकल में एक एडिशनल चीज होती है जिसको कहते हैं मल्टी टेबल डेडलॉक्स अवॉइडेंस, और उसको उसमें ये होता है कि डिफरेंट टेबल्स के अंदर जो ट्रांजेक्शन चल रही होती हैं उनकी एक ऑर्डरिंग फॉलो होती है। यानी यूजर से कहा जाता है या प्रोग्रामर से कहा जाता है डेटाबेस के, कि वो अगर मास्टर टेबल को एक्सेस कर रहा है और उसके बाद उसकी डिटेल्ड टेबल्स को एक्सेस कर रहा है, तो पहले वो हमेशा मास्टर करे फिर डिटेल पे जाए। ये ऑर्डरिंग फॉलो करेगा हर प्रोग्रामर, तो हर ट्रांजेक्शन जो है थ्रू मास्टर एंड देन थ्रू डिटेल टेबल जाएगी। तो अगेन वो एक ऑर्डरिंग क्योंकि उन्होंने एनफोर्स कर दी होती है, लिहाजा उसमें भी डेडलॉक नहीं लगता। तो ये करंट प्रैक्टिसेस हैं नॉर्मली, जिसमें आप कुछ रिसोर्स ऑर्डरिंग और कुछ साइकिल डिटेक्शन एंड देन शूटिंग दी ट्रांजेक्शन और इस तरह की चीजें यूज करते हैं। आमतौर पर बैंकर्स एल्गोरिथम वगैरह यूज नहीं होते। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डेडलॉक के टॉपिक को कवर किया, उसकी चारों कंडीशंस देखी, उनको उनसे जो है वो अवॉइड करना, प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, रिकवर करना, इसके कुछ मेथड्स देखे, और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी जिसमें सिंपल एग्जांपल्स जिसमें हमने देखा कि डेडलॉक किस तरह लगता है और डेडलॉक में क्या होता है, डेडलॉक इंस्टॉलेशन में फ़र्क क्या है, और करंट प्रैक्टिसेस क्या हैं डिफरेंट प्रैक्टिकली माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर के अंदर या ओरेकल के अंदर या विंडोज एनटी के अंदर, और लाइनस का कर्नल भी इसी तरह ही है। आमतौर पे डेडलॉक इट्स बेसिकली लाइनस और विंडोज एनटी डेडलॉक माइन फील्ड हैं, और इनके अंदर क्योंकि वो लेवलिंग जो इंट्रोड्यूस की गई थी पहले सेमाफोर्स की, वो भी अब ख़त्म कर दी गई है, तो लिहाजा अब कर्नल के अंदर डेडलॉक्स के बहुत पोटेंशियल्स हैं डिपेंडिंग अपॉन के क्या किस ऑर्डर में चीज़ें होती हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में देखा था, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे थ्रेड्स, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में या लार्ज स्केल मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स में थ्रेड का यूजेज, और ये एक रिसर्च टॉपिक है, इसके लिए आपको एक रीडिंग भी साइन होगी, और उसके हम उसकी बेसिक जो थ्रेड यूजेज है कि थ्रेड्स के यूजेज पैराडाइम्स क्या क्या हैं, या थ्रेड्स को हम किस किस तरह से यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, अगर हमने प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडेड बनाना हो तो उनके पैटर्न्स या डिजाइन पैटर्न्स जिनको हम कहते हैं उनको हम जो यूज करते हैं,
तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हाफिज़.